परम शांति। देखो, जो राम ने शल्या की अहल्या बनाई, मतलब शल्या माना पत्थर, जो पत्थर में से अहल्या बनाई, मतलब अपना पैर रखते ही वो शल्या से अहल्या बन गई। तो अहल्या वो गौतम ऋषि की पत्नी थी। तो गौतम ऋषि ने उसको श्राप देकर उसको पत्थर बना दिया था। तो गौतम ऋषि, वो तो कहानी सब जानते ही होंगे, इंद्र की कहानी। इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके आए और फिर गौतम ऋषि को पता लग गया, फिर उन्होंने इंद्र को भी श्राप दिया और अपनी पत्नी को भी श्राप दिया। तो बाद में जब वो ये अपनी पत्नी जो है वो जो शल्या बन गई, शल्या की अहल्या बन गई, तो अहल्या ये सती स्त्री थी, सती थी। जब सती स्त्री होती हैं, सती स्त्री माना एकदम सती, क्योंकि अपने पति के सिवाय कभी कहीं भी उसने मतलब संकल्प भी ना किया हो, सोचा भी ना हो, ऐसी पत्नी को पतिव्रता कहते हैं। तो ये पतिव्रता थी, सती थी, पावरफुल थी, ऋषि पत्नी थी, उसके अंदर खुद की आत्मा की शक्ति थी। तो वो जैसे भी उसको शल्या की अहल्या बनाई राम ने, तो वो अहल्या तीन तत्वों में ट्रांसफर होकर वो चली गई। तो उसी टाइम उसके पति जो जहाँ भी होंगे वहाँ उसके पास चली गई होगी, क्योंकि वो पतिव्रता थी इसलिए। बाकी मगर कायदा ये नहीं है कि सभी पत्नियाँ अपने पुरुष के पास पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आजकल जो सभी पुरुष और पत्नियां जो मिल रही हैं एक दूसरे को, जो मिल रही हैं, वो सब देहभान वाली मिल रही हैं, देह के आकर्षण वाली मिल रही हैं। इसलिए एक्यूरेट जोड़ा नहीं है। एक्यूरेट तो जोड़ा जो अनेकों जन्मों से, अनेकों ओरिजिनल पुरुष और ओरिजिनल प्रकृति, तो कहीं मुश्किल से रेयर केस में शायद करोड़ में एकाध मिल जाए। बहुत मुश्किल है ऐसा जोड़ा मिलना, क्योंकि ओरिजिनल पुरुष ने अपने अंदर से जो प्रकृति निकाली हो और वो पावरफुल दोनों हो तो ही मिल पाएंगे। मगर अभी ये संभव नहीं है यहाँ तो, क्योंकि पुरुष कहीं और जन्म मरण के चक्र में होते होते कहीं और कनेक्शन में आके चला गया, और प्रकृति भी कहीं और कनेक्शन में आते आते कहीं और चली गई। इसलिए आज तो शायद करोड़ों में कोई मिल जाए ऐसी ओरिजिनल पुरुष और प्रकृति साथ में जोड़ा धरती पर। और आज भी अगर पुरुष की आत्मा अगर वो ऊपर के लोक में, समझो कि विष्णु लोक में चली गई, गोलोक चली गई, राम लोक, ऊपर गोलोक के पास राम का लोक भी है, ऊपर अलग अलग जो विष्णु के अवतार होते हैं वो सभी का लोक बनाए हुए विष्णु लोक में। तो अगर वो पुरुष ऊपर विष्णु लोक में है, तो वो आत्मा, उसकी प्रकृति भी, वो प्रकृति माना पत्नी भी वो ऊपर चली जाएगी, ऐसा नहीं है। अभी जो आगे आत्माएं पुरुषार्थ करके, अगर कोई आत्मा पुरुषार्थ करके ऊपर के लोक में चली जाती है, तो उसकी जो प्रकृति होगी उनको भी पुरुषार्थ करके ऊपर जाना पड़ेगा। मगर एक दूसरे को जानते ही नहीं है, कनेक्शन में नहीं है, देव बीच में देहभान है, देह का आत्मा पर अनेक आवरण लगे हुए हैं और देहभान है, तो एक दूसरे के कनेक्शन में भी नहीं आते, एक दूसरे के संकल्प भी टच नहीं होते हैं। इसलिए आज की तारीख में हर कोई ऊपर जाए, फिर ऊपर जाके उनको एकदम एक्यूरेट पता लगे, तब ऊपर जाने के बाद जब उसके आवरण खुलते हैं, जब आत्मा स्वरूप में स्थित होते हैं, आवरण खुलते हैं, तब भी पता लगता है। आत्मा जब निराकार स्टेज बनती है, आत्मा की ओरिजिनल स्टेज में आती है, मूल अवस्था में, जिस अवस्था में पुरुष ने प्रकृति की रचना की, वो ही अवस्था आती है पुरुष का प्रकृति की, तभी वो एक दूसरे को समझ पाते हैं कि मैं ही, यही मेरी प्रकृति है, यही पुरुष प्रकृति का जोड़ा है। तो इसके बिना नहीं, जैसे कोई भी आत्मा, भेद की भी आत्मा हो, तो उसको यहाँ धरती पर तो पता ही नहीं लगेगा। जब वो पुरुषार्थ करके अंत में
बेहद के आकारी बाप के पास गोले में जाएंगे, निराकारी स्टेज धारण करेंगे। निराकारी स्टेज में जब वो आएंगे तब निराकार में पता लगेगा, ऊपर जाके गोले में, तब गोले में जाके पुरुष और प्रकृति निराकारी स्टेज में मिलन होगा। देवान में तो होगा नहीं, न तीन तत्वों में होगा, न 10-20 कला में होगा, क्योंकि वेद की कला की आत्माओं को ओरिजिनल रूप में, उसका अनादि रूप जो कहते हैं, मूल रूप जो कहते हैं, बीज रूप अवस्था, आत्मा की बीज रूप अवस्था, निराकार स्टेज। क्योंकि अगर निराकार स्टेज में भी आत्मा ने सर्जन किया है तो निराकार स्टेज में ही पता लगेगा। जिस आत्मा में जहाँ से निकली है वो आत्मा की स्टेज ओरिजिनल आ जाए तब पता लगेगा ओरिजिनल चीज का, बाकी कोई ओरिजिनल नहीं मिलेगी, कहीं फंस जाते हैं बेचारे। आजकल सारी दुनिया इधर उधर फंसी पड़ी है, इसलिए ये हाल है। हालांकि आजकल तो क्या है कि अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय धरती पर आ गए, ऊपर से आ गए, मैंने बताया उस पर वीडियो है। तो जो ऊपर से आए सूक्ष्मोतन में अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय आए, तो वो वहाँ आत्माएं क्रिएट, उसका क्रिएशन करता रहा और धरती पर आत्माएं भेजता रहा, आत्माएं भेजता रहा। तो कोई भी आत्मा किसी कनेक्शन में आए, वहाँ तो ऐसा दूसरे धर्मों में तो ऐसा लॉ नहीं है, ये तो अपने सनातन धर्म में लॉ था कि एक ही पुरुष और एक ही प्रकृति। क्योंकि उसी टाइम कहते थे अपने यहाँ, मतलब सनातन धर्म में कहते थे एक नारी सदा बाल ब्रह्मचारी, एक नारी सदा बाल ब्रह्मचारी, उसको ब्रह्मचारी कहते थे। एक नारी सदा, एक नारी के साथ जो पति और पत्नी दोनों साथ में गृहस्थाश्रम चलाते हैं तो वो हमेशा एक नारी सदा बाल ब्रह्मचारी कहा जाता था। इसलिए गृहस्थाश्रम को श्रेष्ठ आश्रम भी इसलिए कहा है कि पुरुष भी अकेला अधूरा है प्रकृति के बिना, प्रकृति भी अधूरी है पुरुष के बिना, है तो ऊपर जब जाएंगे, क्योंकि ऊपर तो संन्यास आश्रम है नहीं, ऊपर आप कहीं भी ऊपर जाओगे तो ऊपर संन्यास आश्रम नहीं है, मगर ओरिजिनल पुरुष और प्रकृति तो अंत में ही मिलते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि शल्या की हल्या बनाई और ऊपर जहाँ उनके गौतम ऋषि उनका पति हैं, समझो कि वो गोलोक में है तो पहुँच गए, वो तो वो आत्मा अलग टाइप की थी। ओरिजिनल पुरुष प्रकृति हमेशा ही साथ रहने वाले थे, पतिव्रता थे, इसलिए चले गए, बाकी के केस में ऐसा लागू नहीं पड़ता।